जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के सातवें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है देवऋषि नारद जी का वेद व्यास जी को चार श्लोकों में भागवत सुनाना तथा अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या करना। अब सातवां अध्याय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, इतना वृतांत सुनाने के बाद नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से श्रीमद् भागवत के चार श्लोकों को सुना था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हीं चार श्लोकों को मुझको सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ, आप उनका सविस्तार उल्लेख करें। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य देह पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भव सागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर सदा कष्ट पाता है। यह कहकर नारद जी ने व्यास जी को उन चार श्लोकों का अर्थ भली प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान त्रिलोकीनाथ का निवास हो। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीलाओं का उल्लेख करें। इतना कहकर देवऋषि नारद जी वेद व्यास जी से विदा लेकर चले गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, देवऋषि नारद जी परम धन्य हैं, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी बद्री वन में जाकर श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता थी कि किस प्रकार से उन परब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करूं, लेकिन श्री नारायण जी का चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन चार श्लोकों को, जिन्हें देवऋषि नारद जी से सुना था, उनको विस्तार सहित लिखा। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने एवं सुनने से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में अनेकों योद्धा एवं हाथी घोड़ा नष्ट हो गए। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार करने के पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा, हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले हैं। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो यह दशा की है, इसे देखकर मेरे हृदय में अपार दुख हो रहा है। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति आज्ञा दो, मैं वही कार्य करूं। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे भाई, मुझे अपनी जांघ टूटने का इतना दुख नहीं है, जितना कि पांडवों के विजयी होने एवं राज्य पाने का है। फिर तुम्हारे जैसे योद्धा के होते हुए मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, यह बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला, अगर यही बात है तो मैं आज ही रात्रि को सोते समय पांचों पांडवों के सिर काट कर तुम्हारे लिए ला दूंगा। यद्यपि सोते हुए शत्रुओं को मारना महापाप है, तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य करने को तैयार हूँ। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम यह कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। यह बात सुनकर अश्वत्थामा उन पांचों पांडवों के मस्तक
काट कर लाने को चल दिया। अश्वत्थामा सोचने लगा कि जब पांडव सो जाएंगे तब उनको मार दूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि जिसे भगवान रखें उसे कौन मार सकता है। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वही बात हुई, भगवान श्री कृष्ण ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास था, भगवान जो कहते थे पांडव वही करते थे। पांडवों को भगवान में पूर्ण विश्वास था। आजकल भगवान में विश्वास किसी को होता नहीं है। इधर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांचों पांडव भगवान जी के साथ गंगा किनारे चले गए। उधर अश्वत्थामा एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर कृत्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया और वहां आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काट डाले। प्रातःकाल होते ही वह उन कटे हुए सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के शिविर में आया और उन मस्तकों को देते हुए बोला, हे राजन लीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश काट लाया हूँ। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उन कटे हुए मस्तकों में एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीम का मस्तक बताकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को प्रतीत हुआ कि यह मस्तक भीम का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोण पुत्र, भीम का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश काट कर ले आया है। अतः तूने व्रता ही इन बालकों को मार कर मेरे वंश को कलंक लगाया। यह कहकर दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना तब उसने बहुत प्रकार से विलाप करते हुए यह शपथ ली कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो सभी दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्य, मैंने यह सौगंध आपके बल पर ही खाई है, अतः आप जो उचित समझे वही करें। आज द्रौपदी दुखी है क्योंकि जिसके पांचों पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उसके दुख का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी को धीरज बंधा कर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास पहुंचा दीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने रथ को ऐसे वेग से हांका कि बात ही बात में अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र दशों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की तरफ चला, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे वासुदेव, यह कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास तक ना आने पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापिस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो, इसलिए निसंदेह होकर तुम अपने इस अस्त्र को चलाओ। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानकर
अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय वे दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था, इसलिए अर्जुन पूरी तरह से सुरक्षित बने रहे। वैसे भी जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, उस अर्जुन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कथा आगे बढ़ती है। जब कुछ देर तक यह अस्त्र युद्ध होता रहा, तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र ही इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुलाओ, नहीं तो इनकी क्रोधाग्नि से समस्त विश्व भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी का आदेश पाते ही अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया और फिर अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उनके हृदय में विचार प्रकट हुआ कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय में दया और धर्म का विचार कर उसका मस्तक नहीं काटा। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर धर्म परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस अश्वत्थामा ने सोते हुए तुम्हारे बालकों के मस्तक काट डाले हैं, इसलिए यह धर्म से गिरा हुआ और आताताई है। इसके अलावा तुमने उसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसलिए शीघ्र ही इसे मार डालो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, अतः मैं इसका संहार ना करके इसे द्रौपदी के पास ले जाता हूँ, वहाँ पर वह जैसा कहेगी वैसा ही किया जाएगा। सूत जी आगे कथा बढ़ाते हुए कहने लगे कि अर्जुन अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी आंगन में बैठी हुई है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देखकर द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने पांच बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है, यह कोई साधारण वैरी नहीं है। पांच बालकों को मारने वाला आज आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ भी दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचता है कि सचमुच द्रौपदी वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है, तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं कि कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को प्रिय लगे ना लगे, किंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह प्रभु को सदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला जब उपकार से देंगे, स्वभाव सुंदर तब बनता है। स्वभाव सुंदर उस समय बनेगा जब भगवान जी के नामों का जाप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। द्रौपदी कहने लगी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है, क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण की हत्या करना बड़ा पाप है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है, दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। आज द्रौपदी धर्म की शिक्षा अर्जुन को दे रही है।
प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हैं कि मेरे भक्त कैसे धर्म के मार्ग पर चलकर एक ब्राह्मण के लिए इतना सोच रहे हैं। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है, रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर दया नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है कि मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए कि क्या करूं। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है सही कह रही है। द्रौपदी के दिल में दया है, भीमसेन के हृदय में बदले की भावना है। धर्म प्रमाण से भी आताताई को अर्थात अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा ने 5 बालकों का वध किया है। भीम कहने लगे कि धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शरण में आए हुए प्राणी या सोते हुए बालक तथा स्त्री को मारता है या मतवाले पागल अथवा हरि भक्त या परमहंस को कष्ट देता है, उसे दंड देना राजा का धर्म है। इसलिए अश्वत्थामा को अवश्य दंड मिलना चाहिए। सबकी बात सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, अब तो आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या धर्म है, मुझे क्या करना उचित है। तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका और भीमसेन के कथन का और द्रौपदी के आग्रह का, युधिष्ठिर के आदेश तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कोई पाप भी ना लगे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए से अधिक अपाहिज हो जाए। ऐसा विचार कर अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडवा कर उसे तलवार की नोक से चीर कर उसके मस्तक में से वह मणि निकाल ली जो सदा उसके मस्तक में बनी रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के तुल्य हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर अपनी बुद्धि के बल से सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं का पालन किया। सूत जी कहने लगे कि धन्य है द्रौपदी और धन्य है पांडव कि अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को मारने में समर्थ होते हुए भी उसको नहीं मारा। ऐसे भक्तों के ऊपर तो कृष्ण कृपा होती है, ऐसे अर्जुन के ही तो सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 7वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा भगवान की कृपा से ही सुनने को मिलती है, क्योंकि मनुष्य का मन इस कथा को सुनने से ही भगवान में लग सकता है। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर भी करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रचार करना मनुष्य मात्र का धर्म है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।